सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल होप यू आर डूइंग वेल। आज हम आ चुके भोलू छोले भटूरे वाले पे। तो आज हमारे वीडियो साथ है सिलीगुड़ी का बहुत फेमस एक जगह है जहाँ पर ये छोले भटूरे मिलते हैं चीफ स्पेशल। तो वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। ये जगह चंपासरी मोड़ में, चंपासरी गुरुबस्ती में एक जगह है वहाँ पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो भैया क्या क्या मिलता है यहाँ पर? छोले भटूरे और छोले चावल। भटूरा प्लेट कितना करके है? 20 का दो। हाँ, 20 का दो। और छोले चावल कितना करके है? 20 रुपये प्लेट। तो कब से है दुकान आपका यहाँ पर? 6 महीना पहले लगा था मार्केट स्कूल के पास, वहाँ पर रहते थे पहले। और कितना भटूरा हो जाता है दिन में? 3,000-4,000 सेल हो जाता है। मतलब छोले कैसे है दिखाएंगे एक बार, घुमा के दिखा दीजिए एक बार। गीले गीले छोले हैं यहाँ पर। और एक प्लेट में तो दो ही भटूरे रहते हैं। और चावल कैसा है दिखा सकते एक बार? तो गीले गीले चावल है एकदम बढ़िया। अच्छा, और भटूरे से और क्या क्या मिलता है? प्याज है, मिर्चा है और अचार है, दही। तो कब से लगा रहे हैं यहाँ पर दुकान? 6 महीना। 6 महीना हो गया। सेल कैसे यहाँ पर? बहुत अच्छा है, पसंद करते सब। तो अंकल तो थोड़ी देर पहले खाए आप, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा हमको। और जो चीज़ जहाँ खाते थे हम, वहाँ से ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं खा रहा हूँ, कम से कम 2 महीने से खा रहा हूँ। तो रेगुलर खा रहे हैं यहाँ पर? रेगुलर। और पसंद आता है? तो बहुत पसंद है। टेस्टी भी बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। क्वालिटी बहुत अच्छा ना, मतलब क्वालिटी और टेस्टी जरूरी है सब। ठीक है, थैंक यू। तो भैया हमारे लिए भी एक प्लेट लगा दीजिए। तो भटूरा तलते हुए देख लेते एक बार, गर्मा गर्म भटूरा निकल रहा है। तो कितने बजे तक दुकान खुला रहता है आपका? लास्ट 3 बजे तक। रात के 3 बजे? लास्ट 3 बजे। वो लास्ट शाम को 3 बजे तक। अच्छा, 3 बजे तक। सुबह कितने बजे खुलते हैं? 7 बजे। और हफ्ते में कितना दिन खुला रहता है? डेली। मतलब साल में 365 दिन खुला रहता है? होली पे और छठ पे। अच्छा अच्छा। तो आपका यहाँ का नाम बता दीजिए एक बार। आपका कितने साल के आप लोग? मेरा हो रहा है 17-18। 18 साल में दुकान? 18 साल में तो सब पढ़ाई कम्प्लीट करते हैं, आप दुकान लगा लिए सीधा। तो मेरा ये छोले का प्लेट लग रहा है अभी। एक भटूरा किसका रहता है? सूजी का या मैदे का। अच्छा, तो मेरा तो छोले का प्लेट आ चुका है। कितना रुपये है प्लेट? 20 रुपये ना। 3 पीस ले। अब प्याज है, सब कुछ है, आराम से खा लेते। तो स्टार्ट करते हैं। ये पैकिंग भी होता है? पैकिंग भी कर लेते हैं। पैकिंग कैसे करके? प्लेट सिस्टम है क्या? जैसे ले सकते हैं जैसे ले जाए ना। 50 का ले जाइए, 100 का ले जाइए। 50 का, 100 का, जितना का ले सकते हैं। प्याज पैकिंग हो रहा है अभी, मिर्चा और अचार पैकिंग हो रहा है। भाई एड्रेस बता दीजिए यहाँ का एक बार। प्रधान नगर ग्रीन पार्क के पास। तो भाई लोग आप कितने साल से खा रहे हैं यहाँ पर? काफ़ी दिन से आ रहे हैं। काफ़ी दिन से आ रहे हैं।
कैसा लगता है तो टेस्ट? बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है। कहाँ के आप लोग? अंचल। अंचल के? अंचल से यहाँ पर आते हैं खाने? सही है, ठीक है, थैंक यू। सो गाइस यहाँ पर इनका चावल भी लग रहा है, खिला खिला चावल है, छोले। अचार, मिर्चा और प्याज, ठीक है, दही है। कितना रहता है प्लेट? 20 रुपया। 20 रुपये प्लेट रहता है। तो भैया आप तो इतना दिन से खा रहे, कितना कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया है। कब से खा रहे हैं यहाँ पर? एक साल हो गया। एक साल हो गया? हर दिन खाते हैं क्या? नहीं, कभी कभी। तो गाइस हम लोग का प्लेट आ चुका है यहाँ पर छोले भटूरे का, तो वो टेस्ट कर लेते एक बार। पतला पतला भटूरे है, खाली भटूरे, अंदर में कुछ नहीं है, ऐसे खाली भटूरे। छोले रिफिल मिल जाता है, मतलब फिर से लेंगे तो छोले मिल जाएगा? चलो भटूरे। हाँ, तो भटूरे टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। भटूरे एकदम खिला खिला है, छोले का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। प्याज और क्या बोलते हैं इसको, दही डाला हुआ है तो इसमें खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है टेस्ट वाला। मिर्चे की मिर्चे क्या फ्राई मिर्ची है? अच्छा ठीक है, तो फ्राई मिर्ची और अचार मिलता है। काबुली चने साथ में, अचार मिक्स अचार है यहाँ पर, तो मिक्स अचार से खा लेते, देखते कैसा है। पर टेस्ट तो बहुत अच्छा है, भटूरे का टेस्ट तो बहुत अच्छा है खाने में। मैं तो प्याज काटने का स्टाइल नहीं समझती, अभी तो ये दुकान गुरुम बस्ती के साइड में, यहाँ पर जो गुरुम बस्ती है, यहाँ पर गुरुम बस्ती के मोड़ में साइड है। हाइजीन का भी बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, और तेल का भैया हर दिन चेंज रहता है वो सही है, तब खाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता होगा, गैस वैस भी नहीं होता होगा। हेलो, तो थोड़ा छोले ले लेते हैं भैया, थोड़ा छोले देना। तो मैंने छोले रिफिल करवा लिया, फिर से खाते थे। क्या तो प्याज मिलेगा? थोड़ा सा बस।
इसमें क्या जाता है, छोले या चावल नीचे आटा पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।